अध्याय पद संख्या 16 में हम देखते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आज मैं आप लोगों के सामने पवित्र आत्मा के फलों में से पहला फल प्रेम के बारे में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्यारे मित्रों, हमें मालूम है कि पवित्र आत्मा के सभी फलों का सारांश प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर की सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। इसलिए ईश्वर ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैं तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। अर्थात प्यारे साथियों, हमें भी प्रभु मसीह के आगमन की तैयारी में ईश्वर के प्रेम से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रेम से एक दूसरे को प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसके अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम का वर्धन करते हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा के सहयोग से हमारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है और हमारे जीवन में जो ईर्ष्या, बैर, घमंड आदि की दीवारें हैं वो टूट जाती हैं और हमारे बीच एकता, शांति और भाईचारा बना रहता है। संत पौलुस भी अब हमें कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता और ना घमंड करता है। इसलिए हमें क्रिसमस के अवसर पर एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, जिस प्रकार मसीह ने हमें प्यार किया।